Hello friend, welcome to my channel The Technical Intro. Please subscribe my channel and click on the bell icon as soon as possible for more and get notification. दोस्तों मैं हूँ राजकुमार, आप लोग देख रही है द टेक्निकल इंट्रो। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और साइड में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए, इसी तरह वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसलिए। दोस्तों आज हम ऐसा एक यूनिक वीडियो लेके फिर से आ गए हम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज दिखाने वाले हैं कि HP स्मार्ट इंक टैंक प्रिंटर कभी कभी बहुत ज़ोर से हेड मूव होता है और प्रिंट नहीं होता है और कैरेज कैन नॉट बी मूव या कैरेज जैम ऐसा करके मैसेज शो करते हैं। तो आप लोग इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रही है तो कैसे इसको रिपेयर कर पाएंगे, वही यूनिक टेक्निक आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्क्रिप्ट करके मत देखिए, टाइम नहीं है तो सेव करके रखिए, स्क्रिप्ट करके मत देखिए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए आज हम पहले दिखाते हैं, ये लोड पेपर नहीं है इसलिए दिखा रहे। देखिए कैरेज जैम द प्रिंट कैरेज कैन नॉट मूव ऐसा करके शो करिए, क्यों कर रही है और ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप खुद घर बैठे बैठे वही यूनिक टेक्निक आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए ये जो हेड मूव हो रहा है और इतना जोर मूव हो रहा है, देखिए कितना साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से टूट जाएगा सब कुछ। तो इस तरह प्रॉब्लम फेस करिए तो चिंता मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। हम पहले दिखाएंगे कि प्रॉब्लम कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम दे देंगे। तो ये देखिए कैरेज जैम, हम जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैरेज जैम बोल के पेपर नहीं है इसलिए लोड पेपर का मैसेज शो कर रही है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले क्या करना होगा, प्रॉपरली प्रिंटर को शट डाउन करना होगा। हाँ, प्रॉपरली शट डाउन करना होगा, दूसरे प्रिंटर की जैसा नहीं है क्योंकि ये स्मार्ट टैंक प्रिंटर है और स्मार्ट टैंक प्रिंटर अगर प्रॉपरली शट डाउन नहीं हुआ तो आपको दूसरे प्रोसेस में नहीं जाएगा, इसलिए पावर बटन को क्लिक करके शट डाउन करना होगा प्रॉपरली। दूसरे प्रिंटर में पावर ऑफ कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये स्मार्ट टैंक प्रिंटर प्रॉपरली शट डाउन करना होगा। दोस्तों देखिए चारों ये जो स्क्रू पॉइंट है, इधर स्क्रू रहे थे चार, इसको खोल देना है क्योंकि इस प्रिंटर को डिसअसेंबल करना है पहले और बहुत सावधानी से करना होगा नहीं तो टूट सकते क्योंकि अंदर तीनों केबल से जुड़े रहते हैं स्कैनर पार्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, स्कैनर पार्ट को इसमें से डिटैच कर देंगे बहुत केयरफुली, नहीं तो ये प्रिंटर डैमेज हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। दोस्तों अब वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मेरे को ये ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, स्क्रिप्ट करके नहीं दिखाते। देखिए केबल है, तीनों केबल को डिटैच करना है पहले और बहुत सावधानी से, नहीं तो ये केबल डैमेज हो सकता है और प्रिंटर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए ये अंदर का पोर्शन है और ये देखिए इसको लॉजिक बोर्ड कहते हैं, कोई मेन बोर्ड कहते हैं, ये है इस प्रिंटर का मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड है। अब हम दिखाएंगे एक कैरेज, ये देखिए ये मूव हो रहा है, ये हेड है, ये मूव होता है जब हम प्रिंट करते हैं तो ये मूव करते हैं और मूव करते करते कभी कभी ये जो इनकोडर स्ट्रिप, इसको इनकोडर स्ट्रिप कहते हैं, इनकोडर स्ट्रिप ख़राब हो जाते हैं या जो सेंसर है सेंसर से हट जाते हैं। तो देखिए हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, देखिए सेंसर के अंदर नहीं है, इसको सेंसर कहते हैं। ये देखिए ये जो देख रहे हैं इनकोडर स्ट्रिप, इनकोडर स्ट्रिप एक्चुअली ये जो सेंसर आप लोग देख पा रही है, ये देखिए एक मिनट, हेड के पीछे देखिए, ये देखिए ये सेंसर है, इस सेंसर के अंदर ऐसा रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मूव करते वक्त ये हट जाते हैं सेंसर से, तो ये बहुत ही नाजुक है तो बी केयरफुल। ये देखिए इस तरह मूव होते हैं, दो कारण से ये ख़राब हो सकते हैं, एक प्रिंटर के अंदर कोई इंक गिर गया
या कोई चूहा या रैट इसके अंदर चले गए तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, या आपने कोई प्रिंटर जब यूज़ करते तो प्रिंट दिया है एक साथ मल्टीपेज यूज़ कर रहे तो अचानक प्रिंटर के अंदर पेज फंस जाते हैं, तो इस तरह प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंसर है सेंसर के अंदर इसको ठीक से सेट करना है, और आपको ये ध्यान पे रखना होगा कि ये जो इनकोडर स्ट्रिप है जो हम क्लीन कर रहे हैं, ये इनकोडर स्ट्रिप को सही तरह क्लीन करना है, क्योंकि अगर ये फिल्म का तरह है, अगर आप लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे या कोई इसमें अल्कोहल या कोई एसिड यूज़ कर रहे तो ये ख़राब हो जाएगा तुरंत और काम नहीं करेगा, इसलिए इसको क्लीन कर देना है। और आपको ध्यान पे रखना है, अगर आप इसमें देखते हैं कि कोई डस्ट वगैरह लगे तो सॉफ्ट या टिश्यू पेपर से आप लोग क्लीन कर सकते हैं, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको असेंबल करके देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। और ये जो केबल है, केबल बहुत केयरफुली लगाना होगा, अगर इधर उधर हो गया तो ये डैमेज भी हो सकते हैं। ये जो है ये स्कैनर केबल है, तो स्कैनर केबल को जोड़ देते हैं ये लॉजिक बोर्ड के साथ। और बी केयरफुल, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अगर लगाते वक्त या खुलते वक्त इसको आप लोग इधर उधर कर दिया तो ये प्रिंटर डैमेज हो जाएगा और काम नहीं होगा। एक बहुत बढ़िया स्मार्ट टैंक प्रिंटर है और मल्टीफंक्शन है, बहुत अच्छा प्रिंटर है और सबसे लो कॉस्ट प्रिंटर है। इसमें ऑटोमेटिक फीडर है, ये इसमें है, वायरलेस है, कलर ब्लैक दोनों ही होता है। तो ऑन करके देखते हैं, ऑन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम ऑन होने में, अभी ऑन हो रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये थोड़ा शीतकाल में ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि पेपर अंदर ज़्यादा फंस जाते हैं और तब जाके आप लोग ज़ोर से इसको खींच के बाहर निकलते हैं, तो कभी कभी ये जो इनकोडर स्ट्रिप है ये हट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इस तरह प्रॉब्लम होते हैं। तो चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। देखिए फिर से ऑन हो गया और रीलोड पेज बोल रहे, तो मैं पेज डाल देता हूँ ट्रे के अंदर। और अब हम देखेंगे कि जो एरर आ रहा था कि कैरेज नॉट मूव करके, ये पेपर साइज सही करने के लिए बोल रहे हैं, A4 साइज है, तो हम ओके कर देते हैं और कॉपी करके देखते हैं कि कॉपी हो रहा है कि नहीं। कॉपिंग हो रहा है, देखिए अब तक क्या हो रहा था कि उसमें कैरेज कैन नॉट मूव करके मैसेज शो कर रहा था, अभी देखिए पेज अंदर जा रहा है और कॉपी भी हो रहा है। इसका मतलब प्रिंटर में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं फिर से और एक बार कॉपी करके देखते हैं। और ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर ये डिस्प्ले टच स्क्रीन डिस्प्ले है, तो आप लोग ये हाथ से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिस्प्ले है ये टच डिस्प्ले है, मोबाइल की तरह बहुत अच्छा है, स्मार्ट प्रिंटर है, HP ने बहुत बढ़िया एक प्रिंटर लॉन्च किया था, बहुत अच्छा प्रिंटर है। देखिए प्रिंट हो रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। देखिए मैंने मल्टी पेज दिया वो भी प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना जो प्रिंटर है, प्रिंटर को इस तरह आप लोग ठीक कर पाएंगे। घर बैठे बैठे आपको कोई सर्विस सेंटर या कोई इंजीनियर बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम एक कलर भी प्रिंट आउट करके आपको दिखाते। मैंने कर दिया, कॉपी हो रहा है। एक्चुअली कलर प्रिंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, हो गया। देखिए मैंने जिस तरह एक छोटा सा कार्ड अंदर डाला था वो प्रिंट हो गया,
बाहर निकल गया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह आप अपना प्रिंटर सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नया हैं तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए कि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, नमस्कार।